अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जो आदिनस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट टूल के बारे में, टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल की एक्सप्लेनेशन के बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे ट्यूटोरियल्स की अपडेट मिलती रहे। चलें चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। टाइप एरिया टूल का मकसद यह है कि जाना के एरिया में टाइप करो। उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी हम एरिया ले लेंगे, या वो सर्कल ले लेंगे, या कुछ भी ले लेंगे, कोई भी एरिया बना लिया, टाइप एरिया टूल पे क्लिक किया, उसके बाद इसके अंदर क्लिक कर दिया। उसके बाद जो भी आप टाइप करेंगे वो आपके पास लिखा जाएगा। आप कह रहे होंगे ये नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ फॉन्ट स्मॉल है, इस तरह से नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा आप देखना चाहें तो ये देखें, सिर्फ जिस एरिया में आपने किया होगा तो ये वाला टाइप टूल उस चीज़ में चलेगा कि जिस एरिया में आपने वो किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है ये है टाइप ऑन द पाथ टूल। इसका मतलब जो पाथ आप सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो सर्कल पाथ हो या कुछ भी पाथ हो, उस पाथ पे ये आपको टाइप करके देगा। कैसे करके देगा, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं टाइप एरिया टूल को सिलेक्ट करके इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखें, ये मैंने इसको पाथ दिया कि इस पाथ पे मूवमेंट करो, और ये इस पाथ में मूवमेंट कर रहा है। ओके, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है ये पाथ पे काम करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग के पास वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल जैसे कि नाम से बता रहा है कि वर्टिकली किसी चीज़ को लिखने के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं गर्ड, और टेक्स्ट टूल, तो मतलब कि अब वर्टिकली किसी चीज़ को टाइप करने के लिए, वर्टिकली टाइप करना हमें यूज़ पड़ जाता है जब हम मैगजीन कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसके लिए हम लोगों को वर्टिकल टाइप टूल यूज़ होता है। तो इसके साथ ही जो टूल आ रहा था है वर्टिकल टाइप एरिया टूल। एरिया टूल में इसके वर्टिकली टाइप ये करेगा, लेकिन जो है ना कोई भी एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उस पर ये जो है ना वर्टिकली टाइप करेगा। ओके, वर्टिकली टाइप पाथ टूल, मीन्स के उसमें भी पाथ और एरिया का सेम सेटअप होगा। मीन्स के ये मैंने एक लगा लिया है, जब मैं आपको ये वर्टिकल टाइप टूल सिखाता हूँ, वर्टिकल टाइप टूल मैंने आपको सिखा दिया, वर्टिकल टाइप पार्ट। वर्टिकल टाइप एरिया टूल, इसमें क्या है कि एरिया जो आपने बनाया होगा, बस करें इसको मैं अन कर लेता हूँ, एरिया पे आता हूँ, इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये देखें ये वर्टिकली एरिया पे लिखता जा रहा है। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल, जिसके आप उसको पाथ प्रोवाइड करोगे ये उसी तरह लिखेगा, लेकिन वर्टिकली लिखेगा। ओके, टच एंड टाइप टूल, टच एंड टाइप टूल मैं आपको आगे थोड़ी सी एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर आपके पास ये इधर ऑप्शन नहीं आ रही करेक्टर की, तो आप विंडोज पे जाएंगे, टाइप पर करेक्टर पे आप जो है क्लिक कर देंगे, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। इस ऑप्शन को मैं अपने सामने ले आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, टेक्स्ट टू वर्क। ओके, फर्स्ट करिए मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। इसको हम डिफरेंट तरीके से कैसे देखेंगे वो मैं आपको डिटेल में आज बताने जा रहा हूँ। ये आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही होगी करेक्टर की, जिसमें आपके पास आ रहा होगा कि आपके पास फॉन्ट क्या है, उसके फॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शंस, मींस के बोल्ड अगर का आपने करना है बोल्ड कर लें, साइज का आपने क्या देना है, वो सब कुछ ऑप्शन आ रही होगी। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रही आपके पास तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास
आपको विंडोज के थ्रू, जैसे मैंने पहले आपको समझाया टाइप के थ्रू और कैरेक्टर के थ्रू, ये ऑप्शन आ जाएगी जिसमें आपके पास ये ऊपर वाली ऑप्शन भी आ जाएगी। जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी। उसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो आप इस तरह करके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट कौन सा रखना चाह रहे हैं। करें इसको, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट के ऑप्शन आ गई। जो मर्जी आप टेक्स्ट चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके कंप्यूटर में फॉन्ट अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपके पास इधर ऑप्शन आ रही होंगी। अगर आप एरियल रखना चाहते हैं, हम डायरेक्ट भी इधर टाइप करेंगे तो आपके पास एरियल की ऑप्शन आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट अपने टेक्स्ट में से कोई टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा, आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट करना चाह रहे हैं जो कि टेक्स्ट का नाम इस आपके फैमिली में नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे फॉन्ट्स लिखेंगे या फ्री फॉन्ट्स लिखेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आप डायरेक्ट ही जाएंगे किसी भी फॉन्ट पे, इसको डाउनलोड करेंगे, ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। फिर जब राइट क्लिक करके ओपन करना है इसको आपने, और राइट क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। जब आप बंद करके दोबारा से इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो आपके सामने वो फॉन्ट भी अवेलेबल हो जाएगा उसी नाम के हिसाब से। अगर आपने ज़्यादा से डाउनलोड किए हैं तो इकट्ठे उनको एक्सट्रैक्ट करें और इकट्ठे सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, टच एंड टाइप टूल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे आप साइज थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर सकते हैं जिस तरह आपके पास ये इधर ऑप्शन आ रही होती है। इसके ज़रिए आप डिफरेंट अपने टेक्स्ट का स्पेस बढ़ा सकते हैं। स्पेस बढ़ाने का मतलब ये देखें, इनका जो इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसेस हैं वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर आप टाइपोग्राफी के लिए इस तरह करके यूटिलाइज करते हैं, ये देखें। और अगर मैं इसको दोबारा जीरो पे लाना चाहता हूँ, जीरो पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज मैं इधर डायरेक्ट 100 पे क्लिक करूँगा, 103 पे ये आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है आपके स्ट्रेच करने की, या आप टेक्स्ट को कितना स्ट्रेच करना चाहते हो, अगर विड्थ वाइज आप इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो, जैसे मैंने आपको समझाया था विड्थ वाइज टेक्स्ट को स्ट्रेच करेंगे या हाइट वाइज इसको स्ट्रेच करेंगे, तो इसकी क्वालिटी, इसके एज ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर आप कभी अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच ना करें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज अगर आपने टेक्स्ट को बड़ा ही करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल के ऊपर बटन होता है शिफ्ट का, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको माउस के कर्सर से ट्रैक करेंगे, जितना बड़ा करना है आप अपने मर्जी से इसको बड़ा कर लेंगे। और अगर इसको आपने अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से सेंट्रलाइज करना है, आर्टबोर्ड पहले सेलेक्ट किया और ये सेंट्रलाइज हो गया टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है रोटेशन की, कितना आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं। ओके, ये फिर आगे भेजना, अदरवाइज आपने अगर सिर्फ एक टेक्स्ट को, एक फॉन्ट को आपने करना है तो फॉन्ट को रोटेट करने के लिए आप ये चीज़ यूज करेंगे। ज़्यादातर हम लोग ये टाइपोग्राफी के पोस्टर्स बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो ये रोटेशन हम लोगों को उस चीज़ के लिए ज़्यादा यूटिलाइज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वह ऑल कैप्स में ये होगा कि आप सारे फॉन्ट्स, इसके सारा टेक्स्ट मेरे पास पड़ा हो जाएगा। कंट्रोल सी मैंने किया, इसके बैक पे जाऊँगा, देखता हूँ कि हमारे पास टेक्स्ट सारे शॉर्ट वर्ड्स में है। इसको डायरेक्ट बड़ा करने के लिए आपको एक एक वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये ऑप्शन है आपके पास, आप डायरेक्टली ये प्रेस करके कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये वाली है ऑप्शन, स्मॉल कैप्स करने के लिए यूटिलाइज करेंगे आप इसको। उसके अलावा
नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टेन बाय आप टू करना चाहते हैं, इसकी इसकी परसेंटेज इसको लाना चाहते हैं ऊपर, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गई है। अगर आप कंट्रोल सी मैंने किया, अगर इसी परसेंटेज को आप डाउन भी लिखना चाहते हो वो आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है कि अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, इसके नीचे लाइन लगानी है, तो आपको अलग से रेक्टेंगल टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अंडरलाइन इसको टेक्स्ट को कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, डायरेक्ट आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ओके, अगर आपने क्रॉस लाइन लगाना चाहते हैं टेक्स्ट पे तो ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो आप ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ, इसके आपके पास ज़्यादा सा टेक्स्ट है उसको आपने कैसे लिखना है, इसके अपने एक बुक आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हो कि मैं इलस्ट्रेटर सीखूँ और बुक बनाऊँ, बुक के पेजेस बनाऊँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपने इसको ट्रैक करना है यहाँ तक। ओके, फर्ज करें मैं एक फर्जी टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैंने ओपन किया हुआ था ये पैराग्राफ, कोई सा भी आप ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल सी किया, इधर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इस वजह से मर्ज हुआ क्यों ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, इस वजह से मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ, और जब इसको मैं देखता हूँ तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, इसको मैं जीरो पे नहीं, इसको मैं हाइट में इसकी 6 पे करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपोज टेक्स्ट हो गया। ओके, इसकी अगर मैं हाइट ज़्यादा करनी चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, लेकिन जो आपने पैराग्राफ लगाया है उसी में ही ये रहेगा, इसके आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके आपके उस पैराग्राफ से बाहर नहीं जाएगा जो आप रेक्टेंगल लगाएंगे। अगर आप इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हो, सेंट्रलाइज के हिसाब से, साइड्स के हिसाब से, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं कि आपने टेक्स्ट को किस तरह की शेप देनी है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास आर्च की ऑप्शन आ गई, इसी वाली ऑप्शन आ गई हमारे पास, इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप यूटिलाइज कैसे करना चाहते हो। फिश की ऑप्शन आ गई, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त टेक्स्ट लग रहा है, इसके आपके पास टेक्स्ट में बहुत सारी ऑप्शन, कंट्रोल सी किया आपने, दोबारा मैं आपको बता दूँ आपके पास ये होगी ऑप्शन, डबल क्लिक आप करेंगे इस पर, आपकी मर्जी है कि आपने इसको कौन सी शेप पे रखना है, हॉरिजॉन्टली आपने इसको क्या शेप देनी है, वर्टिकली क्या शेप देनी है, ब्लेंड इसको कितना करना है, ये देखिए 3D इफेक्ट आ गया टेक्स्ट में, ये सब आप दे सकते हैं। कंट्रोल जी किया मैंने, मैं बैक पे गया। ओके, इसके अलावा आपको टेक्स्ट को बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फर्स्ट करेंगे मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, आप दोबारा से टेक्स्ट टूल लेके दोबारा से टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सेम ही आपका टेक्स्ट है, आप उसको यहाँ आपका ख़त्म हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहते हैं उसको, इसके वो आपकी नेक्स्ट लाइन हो, तो आप एंटर सिर्फ प्रेस करेंगे, इसको इस पर जाके हम लोग रखते हैं, इसको मैंने फुल सिलेक्ट कर लिया, इसको अपनी ऑप्शन दे दी। ओके, जब मैं एंटर करूँगा ये देखिए मैं दूसरी लाइन टाइप कर सकूँगा, तीसरी लाइन टाइप कर सकूँगा, चौथी लाइन टाइप कर सकूँगा, इसको जो चीज मैं टाइप करना चाहूँगा कर लूँगा। ओके, ये लॉग है, मैं दोबारा उसी चीज़ के पे आऊँगा। हमने आज ज़्यादातर लोग, आपको पता है रोटेशन लोगों को पसंद करते हैं, इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, इसको भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ, अपने लोगों को टेक्स्ट लोग
ज़्यादातर लोगों का टेक्स्ट करो, और टेक्स्ट ऐसे होता है और ऊपर कोई भी शेप बनी हुई होती है। जैसा कि हमने यूनाइट टू नर्सिंग का पाथ फाइंडर में हमने इसको यूनाइट कर लिया, कोई भी शेप हमने बना ली। ओके सिंपल सी ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि लोगों के लिए भी हम टेक्स्ट टूल को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने कुछ भी टाइप कर लिया। अगर आप ये चीज नहीं आज पे नहीं देना चाहते उसको लोअर, आप इसके थोड़ा डिफरेंट आप टाइप को भी टाइप देना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हो। आप अपर आर्च पे भी कर सकते हो, फ्लैट भी कर सकते हो, इसको आप डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हो कि आपने कितनी इसकी मूवमेंट करवानी है, हॉरिजॉन्टली इसको कितना रखना है, वर्टिकली कितना रखना है। सब आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके साथ साथ प्रीव्यू भी नजर आ रहा होगा कि आपने टेक्स्ट को कैसे यूटिलाइज करना है। उसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको एंड में बताने जा रहा हूँ वो है आपके पास टच एंड टाइप टूल। टच एंड टाइप टूल आपका क्या करेगा कि मैंने ये टच कर लिया इसको, तो इसको मैं कहीं भी लेके जाऊँगा, इसको मैं रख सकता हूँ। ओके फर्स्ट करें इसको मैंने टच कर लिया, इसको डिफरेंट जगहों पे रख दिया लेकिन ये है एक ही टेक्स्ट। फर्स्ट करें अगर मैं डिलीट करना शुरू करता हूँ बैक स्पेस के थ्रू, ये देखें जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में डिलीट हुआ। कंट्रोल सी किया वापस, ये है टच एंड टाइप टूल। इसके आपकी चॉइस है कि आप किसी चीज को ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, टच और टाइप टूल का ये फायदा है आपके पास। ये देखें ये टेक्निक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऊपर बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।